आप कैसा महसूस कर रही हैं हारने के बाद? हारने के बाद तो अच्छा महसूस नहीं किया जाता ख्वाजा जी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि नेक्स्ट कंपटीशन में जीत जाते हैं। आप जीत सकती हैं अगर कोशिश करें। हाँ, वैसे आपने कभी अपनी सेहत के बारे में सोचा है? हाँ ना, इतना सोचती हूँ तभी तो ये सेहत है। ये सेहत नहीं है, इससे तगड़ा तो मेरा अंगूठा है, है कि नहीं? Yes. और मुझे देखो, ऐसे होते हैं खाते पीते बच्चे। ये बच्चे और क्या, मैं हाथी का बच्चा हूँ? हाँ, तो मैं इतना नन्ना मुन्ना सा ख्वाजा बच्चा हूँ, क्यों भाई? Yes. मेरी टीम क्या कहती है? Yes. Yes. लो जी, दुश्मनों तैयार हो जाओ, अब जो गेम होने लगी है बड़ी मजेदार है। अच्छा, और इसमें एक प्यारी सी टीम मेरी तरफ से, एक प्यारी सी बच्ची और एक भेड़ा सा लड़का। नहीं जी, वो भी चंगा ही है, चंगा सा लड़का। चंगा सा लड़का, लो जी तालियों में आ जाए जी। जनाब, ये है बैलून्स गुब्बारे, और एक टीम है ए टीम और ये है बी टीम। जो गुब्बारे जल्दी जल्दी फुला लेगा वही विनर होगा। वही विनर होगा, लेकिन गुब्बारा फुला के उसको बांधना भी है। फिर हम आपको एक और गुब्बारा भी दे देंगे और आपकी टीम के पास होंगे। ठीक है जी? ठीक है जी। अब हम शुरू करेंगे, जब हम 1 2 3 कहें तो शुरू कर देंगे। 1 2 3 और टोंटे, मेरी टीम जीती है। लगनी है अच्छी तालियां। चाचा मुल्तानी और बंटी जी, जी जी जी, आप लोगों ने कभी कोई मुकाबला जीता है जिंदगी में? हाँ जी ख्वाजा अंकल, मुकाबला ये मुझे समझ नहीं आती, ये लड़कियां इतनी ज़हीन क्यों होती हैं और ये लड़के इतने नलायक क्यों होते हैं? ये तुम्हारी गलतफहमी है, लड़के भी बहुत लायक होते हैं, लेकिन लड़कियों का ये है कि इनको पता होता है कि माँ बाप की जो इज्जत है वो लड़कियां ही उनका ख्याल करती हैं। ठीक है, ठीक कुछ है। लड़कियां भी नलायक होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लड़कियां हैं वो आटा गूंदने में नलायक हैं, अम्मी के साथ बर्तन नहीं धोती, मेरे हाथ खराब हो जाते हैं। लेकिन लड़कों के साथ एक प्रॉब्लम है, दूध भी यही बेचारे लेने जाते हैं, तंदूर से रोटियां भी यही लेने जाते हैं, घर के काम भाग भाग के इन बेचारों को करने पड़ते हैं। सही कह रहा हूँ मैं ख्वाजा जी? इतने भाग भाग के ये घर के काम करते हैं कि स्कूल से भी हटे भागे हुए होते हैं। वो तुम्हारे भाई भागते होंगे, ये बड़े अच्छे हैं, अपनी टीम के खिलाफ बोल रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, हमेशा सच बोलना सही है, सच का साथ तो सब देते हैं, क्या ख्याल है आपका? तो चाचा मुल्तानी, वाह 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 वाह, ख्वाजे साहब क्या खूबसूरत आपने बात की है। मैं एक और खूबसूरत करने लगा हूँ चाचा मुल्तानी, कि एक दफा का जिक्र है। वाह जी वाह, फटी हुई निकर है। क्या कहने लगे हैं चाचा मुल्तानी? मैं के आपने जो खूबसूरत सा वाक्या सुनाया है, बात की है, इस पे मुझको एक शेर याद आ रहा है। फौरन इरशाद करो, ताल पर इंतजार कर रहा है। अच्छा जी, कहते हैं आपके चेहरे पे क्या हुस्नो शबाब है, वाह 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 वाह, आपका मुंह है या के चप्पल कबाब है? क्या बात है, क्या बात है, मुझे तो मेरा लिखना ही मार गया। चाचा मुल्तानी आपका बड़ा शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं और 4 चांद आप छोड़ आते हैं। वाह जी वाह वाह, बंटी साहब आपका बड़ा शुक्रिया, चाचा मुल्तानी को गेट तक छोड़ के आए और फिर इनसे मुलाकात होगी। और बंटी जल्दी आना। ठीक है ख्वाजा अंकल, मुझे आप ये बताएं कि आपने कभी पानी को धोखा दिया, बेवकूफ बनाया? पानी को? हाँ बेवकूफ, पानी को कोई धोखा दे सकता है?
मैंने पानी को बेवकूफ बनाया। कैसे कैसे? मैंने पानी गर्म किया हाँ? और फिर नहाया ठंडे से हूँ। चलो आगे चले। अच्छा जी, बाय बाय। उदास ना हो, कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है। हारने पे रोते नहीं है, परेशान नहीं होते हैं, बल्कि अगले मैच के लिए, अगले खेल के लिए तैयारी करते हैं। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से जब इंसान हार जाता है तो उसको हिम्मत से काम लेना चाहिए ताकि हम आगे अच्छी कारकर्दगी दिखाएं अपनी। और ये हमारे जो बच्चे हैं ना, ये किसी चीज से नहीं डरते। डेंगू वायरस से ये नहीं डरते, धमाकों से ये नहीं डरते, अपनी खौफनाक मिसों से ये नहीं डरते। वैसे अगर तुम मिस होती तो बच्चे तो मुझे बहुत पसंद करते। हाँ जी, बच्चे आपको फूंक मारते, आप उड़ जाती। अच्छा जी, एक और गेम के लिए हम तैयार हैं जी। तो इसके लिए किसको बुलाएंगे आप? इसके लिए आप आ जाओ एक, और आप आ जाओ। लो जी, आज जनाब दो टीमें आ गई हैं, एक आपकी टीम और मेरी टीम। और जनाब ये